जय हिंद दोस्तों। परमाणु हथियारों को दुनिया के सबसे खतरनाक शक्तियों में शामिल किया जाता है। इसके जरिए पल भर में बड़े से बड़े क्षेत्र में तबाही मचाई जा सकती है और इनका पहली बार इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। दोस्तों, परमाणु बमों का इस्तेमाल पहली बार अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर किया था। इन दोनों शहरों में मची तबाही के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया। हालांकि अब परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगने के लिए ज्यादातर देश तैयार हो गए हैं, पर कई देशों पे अभी भी न्यूक्लियर मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं टॉप 9 न्यूक्लियर कंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले आता है रशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस के पास है। रशिया के पास मौजूदा समय में करीब 6490 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और रशिया ने आज तक 715 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। और रशिया ने सबसे पहले 29 अगस्त 1949 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रशिया के बाद अमेरिका के पास है। मौजूदा समय में अमेरिका के पास 6185 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। यहां तक कि इसके पास पूरी दुनिया के देशों के कुल हथियारों से भी ज्यादा हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हर वक्त एक ब्रीफकेस होता है जिसके जरिए न्यूक्लियर हमले के लिए वो आदेश दे सकते हैं और सिर्फ 60 सेकंड में हमला हो सकता है। वहीं अमेरिका ने सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था और अब तक 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट यूएसए कर चुका है। अमेरिका ऐसा पहला और आखिरी देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल किया है। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है चाइना। दोस्तों, चीन पर कई बार आरोप लगाया गया है कि वह अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाकर रूस और अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। चीन ने अमेरिका और रूस के साथ इससे संबंधित समझौता करने से भी इनकार कर दिया है। चीनी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका का सामना वे तब तक कर सकते हैं जब तक उनके पास कुछ टारगेट्स पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए हथियार हों। वहीं मौजूदा समय में चाइना के पास 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। दोस्तों, चाइना ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट 16 अक्टूबर 1964 में किया था और आज तक 45 बार टेस्ट कर चुका है। वही दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है फ्रांस। फ्रांस के कानून के मुताबिक फ्रांस 4 में से एक सबमरीन हर वक्त अटलांटिक महासागर में हर वक्त पेट्रोल पर रखता है और 2006 से फ्रांस इस बात पर कायम है कि उसके खिलाफ आतंकी हमला होने पर फ्रांस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इसलिए फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र के समझौते को भी साइन नहीं किया है। वहीं मौजूदा समय में फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और अब तक फ्रांस ने 210 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और सबसे पहला टेस्ट फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 को किया था। वहीं दोस्तों, पांचवें नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के पास 1952 से ही न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन इसने टेस्ट के अलावा कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा था कि अगर देश पर खतरा होगा तो वह हथियार के इस्तेमाल के लिए रजामंदी दे देंगी। इस बयान के बाद उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना पड़ा था। वहीं दोस्तों, मौजूदा समय में यूके के पास 215 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और अब तक यूके ने 45 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट यूके ने 3 अक्टूबर 1952 को किया था। वहीं दोस्तों, छठे नंबर पे आता है पाकिस्तान। बांग्लादेश की आजादी के जंग के बाद से पाकिस्तान ने अपने हथियारों का जखीरा मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार तैयार करने शुरू कर दिए और ऐसा करने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया। पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और पाकिस्तान ने अब तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और सबसे पहला टेस्ट इसने 28 मई 1998 को किया था। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर पे आता है भारत। भारत के पास दशकों से न्यूक्लियर हथियार रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इस पर दुनिया भर की नजर है, लेकिन हालात कभी इतने गंभीर नहीं हुए कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव जारी है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश इंडिया के पड़ोसी हैं और इन पर न्यूक्लियर मौजूद है। ऐसे में इंडिया का न्यूक्लियर रखना जरूरी है। हालांकि इंडिया ने कह रखा है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा और इसका सही इस्तेमाल करेगा और इंडिया ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना रखी है। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और अब तक भारत ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और भारत ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया था। वहीं दोस्तों, आठवें नंबर पे आता है इजराइल। इजराइल ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा है कि हकीकत कुछ और है। माना जाता है कि पहले हो चुकी जंगों को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने हथियार तैयार किए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 1986 में हुआ था जिसके बारे में सिमोन परेस नजेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पूर्व टेक्नीशियन मोडेरची वुनुन ने खुलासा किया था। बाद में मोसाद ने उसे किडनैप करके 18 साल के लिए जेल भेज दिया था
और मौजूदा समय में करीब 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसराइल के पास मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इसराइल ने कब टेस्ट किए हैं और कितने टेस्ट किए हैं, इसकी सारी जानकारी सीक्रेट है। वहीं दोस्तों, 9वें नंबर पे आता है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पास मौजूदा समय में 40 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और अब तक नॉर्थ कोरिया ने भी सिर्फ 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और इसने सबसे पहला टेस्ट 9 अक्टूबर 2006 में किया था। वहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना शामिल है जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रखा है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।